हेलो गाइज, नमार ग्रेड ए एंड ग्रेड बी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। जो लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं और नेक्स्ट फेज की तैयारी में जी जान से लग चुके हैं। लेकिन जो लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, आज का ये वीडियो कम्प्लीटली उनके लिए डेडिकेटेड है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जिस एंगल से देखते हैं वो उसी फॉर्म में आपको दिखाई देता है। आज मैं आपको कम्प्लीट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंक्लूडिंग नाबार्ड एग्जाम्स के 360 डिग्री में जो है एनालिसिस आपको देने वाला हूँ कि क्यों आपके फाइल किए। ये आपका फेल्योर नहीं है, ये स्पेसिफिक आपका फेल्योर नहीं है, आपको खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए इसके लिए। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं, सारे डायमेंशंस को हम कवर करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि अपने आप को सबसे पहले तो ब्लेम करना बंद कीजिए कि आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ये आपके जो एफर्ट्स में कमी रह गई, आपने तैयारी ठीक से नहीं किया, आपका कहीं ना कहीं कोई कमी रहेगी, प्रिपरेशन में पैशन की कमी रहेगी, हार्डवर्क की कमी रहेगी, कहीं कोई गलतियां हो गई है, इस तरह की चीज़ों पे आप बिल्कुल अपने फोकस को हटाइए। अभी तक आप जो कंप्लीट एक रेस में लगे हुए थे, क्योंकि जनरली क्या है कॉम्पिटेटिव एग्जाम कम्प्लीट एक रेस की तरह है। जैसे नोटिफिकेशन आती है सारे लोग रेस में लग जाते हैं और डेफिनेटली ये रेस में जो रेस में जी जान से लगेंगे वही आगे निकलते भी हैं। लेकिन सिर्फ खेल यहीं ख़त्म नहीं होती है, ये रेस अभी ओवर हो चुकी है, आप फेल कर चुके हैं नाबार्ड में, ये रेस आपके लिए ओवर हो चुकी है। तो अभी आप ठहरिए, रेस में भाग रहे थे, रुक गए यहाँ पे, अभी आप सारी चीज़ों को देखने की आपको ज़रूरत है, तभी आप जो है नेक्स्ट स्टेज में आपको ये फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने ये काम नहीं किया, 360 डिग्री इवेल्युएशन आपका नहीं किया अपने सारे सीनेरियोज का, आपका फेलियर पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आपके साथ जो भी होता है वो किसी न किसी कारण के लिए होता है, अच्छा हो, बुरा हो। जिस एग्जाम्पल के तौर पे नाबार्ड में आपका सिलेक्शन अभी नहीं हुई है तो ये बैड है आपके लिए, परफेक्ट। लेकिन ये रिजल्ट आने के बाद अब आप क्या करते हैं वो आपका डिसाइड करेगा वेदर ये आपका फेल्योर आपके लिए पॉजिटिव होने वाली है या निगेटिव होने वाली है। अगर आपने कई सारे कैंडिडेट जो एग्ज़ाम को क्विट करते हैं, कई सारे एग्जाम कैंडिडेट जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं, कई तरह के फैक्टर्स होते हैं, तो कहने का मतलब ये जो अभी फेल्योर आपका हुआ है इसके बाद आप क्या करने वाले हैं वो आपका डिसाइड करा वेदर ये फेल्योर आपका जो पॉजिटिव था या निगेटिव। क्योंकि जो भी चीज़ आपके साथ होता है आप उसको किस तरह से परसीव करते हैं, क्या एक्शन उसके लिए आप लेते हैं, ये डिसाइड करता है आपके वेदर वो आपके लिए गुड है या बैड है। अब मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म तो आप सभी लोगों ने तो विजिट कर किए ही होंगे। प्लेटफॉर्म में एक सिचुएशन समझिए, कोई एक रेलवे का प्लेटफॉर्म है, वहाँ करोड़ों पैसेंजर्स हैं और रेगुलर जो है और भी पैसेंजर एड ऑन होते जा रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, और उस प्लेटफॉर्म पे उस स्टेशन में जो है कई सारे प्लेटफॉर्म से ट्रेन एक एक करके आती है, कभी इस प्लेटफॉर्म पे, कभी उस प्लेटफॉर्म पे, कभी उस प्लेटफॉर्म पे। उसमें लिमिटेड सीट्स होते हैं, किसी में 50 है, किसी में 100 है, किसी में 200, किसी में 500 है, एक्सेप्शन केसेस में जो है वो 2000 या 4000 सीट्स हैं। अब पैसेंजर जो करोड़ों में हैं और एड ऑन होते जा रहे हैं, अब क्या होता है कि जो भी अब इसमें सीट किसको मिलेगी, अब एक ट्रेन आई प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर्स भरे हुए, अब उसमें कौन बैठेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे तो नहीं है प्रिंसिपल। अब यहाँ पे है कि जो रेलवे ने डिसाइड किया है, जो पैरामीटर्स कि उन्हें क्या जरूरत है पैसेंजर्स के लिए, उन्होंने जो पैरामीटर्स डिसाइड किया है उसके बेस पे वो सिलेक्शन करते हैं, उसमें जो टॉप से आता है उसको उन्होंने सीट एलोकेट कर देते हैं। तो अब सवाल आप ये उठता है कि अगर जो लोगों को पैसेंजर्स को सीट नहीं मिल रही है, क्या उनके पास रिसोर्सेज की कमी है या क्या उनकी काबिलियत में कोई कमी है? डेफिनेटली नहीं, यहाँ तो कुछ और ही मिसमैच हो रही है। अब आते हैं दूसरे एंगल में, जो यहाँ पे सीट को अलोकेट करने के लिए जो पैरामीटर फिक्स किया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से वो फिक्स करता है। सेम आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ भी हो रही है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम के देखे तो किसी में 50 है, किसी में 100 है, किसी में 200 है, किसी में 300 है, इतने वैकेंसीज होते हैं और उसमें जो है लाखों स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें उतने कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाते हैं, बाकी सारे रेस में जो है फिर से आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं, मतलब दूसरे एग्जाम का इंतजार करने लगते हैं कंप्लीटली, ये उसी पैटर्न पे। अब एक दूसरा एंगल समझिए, जो पैटर्न उन्होंने डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन का प्रोसेस में, वो कंप्लीटली एक तरह का जो है ना, मतलब ये समझने की जरूरत है कि वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ, किसी भी जंगल में अगर एनिमल्स का रेस लगाया जाए
कि आपको 5 किलोमीटर का रेस है, उसमें जो सबसे ज़्यादा टॉप आएगा ऊपर से उनको एनिमल्स को उन्हें सेलेक्ट करना है, ऊपर से जो 10 जो टॉप आएंगे उनको सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप सोचिए कि इसमें जो पार्टिसिपेंट होंगे, मछली है, टाइगर है, बिल्ली है, बंदर है, क्रोकोडाइल है, आपका टोर्टोइज है, बर्ड्स है, चिड़ियाँ हैं, हाथी है, तो सारे एनिमल्स का जो फीचर्स अलग अलग है। आप सोचिए कि इसमें आप खुद ही जज कर सकते हैं कि इसमें कौन सबसे आए, क्या टोर्टोइज कभी भी जीत पाएगा? क्या वो वाला जो कहावत है कि टोर्टोइज जो है रैबिट से उस रेस में जीत गया था, वो कहानी की बातें, एक्चुअल में अगर देखिए तो क्या वो जीत पाएगा? नहीं। क्या वो इसमें कौन जीतेगा? ऑब्वियस बात, चांसेस रहेगा टाइगर का, लोमड़ी का, रैबिट का, ऐसे जानवर जो कि दौड़ने में काफ़ी अव्वल होते हैं उनके। मछली कभी जीत पाएगा? टोर्टोइज जीत पाएगा? क्या क्रोकोडाइल जीत पाएगा? हाथी जीत पाएगा? लेकिन वही थोड़ा सा समझिए कि अगर इसका जो पैरामीटर ही चेंज कर दिया जाए कि रेस जो है आपका लैंड पे ना हो के वो जो है वाटर में होगा, मतलब समुंदर में होगा, गेम टोटली चेंज हो जाएगा। वैसे ही हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ हैं, यहाँ पे जो है बहुत तरह के कैंडिडेट के जो इंडिविजुअल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होते हैं उसके कारण से उनका जो है सेलेक्शन हो पाती है नहीं हो पाती। जैसे नाबार्ड का भी जो था, प्रीलिम्स में टोटल 8 सेक्शंस थे, 8 सेक्शंस में वो कैंडिडेट जिनका ये स्ट्रेंथ था, इसमें भी आपका क्वालिफाइंग बाय नेचर सारे थे, बस 3 सेक्शन ही आपके जो है स्कोरिंग थे। तो हर एग्जाम का अपना अपना क्राइटेरिया है सेलेक्शंस का, उसमें क्या सेक्शंस में, कौन से सेक्शंस में आपका स्ट्रेंथ रहने से आपका सेलेक्शंस होगा, ये डिपेंड करता है कि वो कौन से वैकेंसी है, उनके क्या क्या पैरामीटर फिक्स किया गया। जैसे आरबीए के केस में आपका अगर करेंट अफेयर्स, राइटिंग स्किल आपका अगर स्ट्रॉन्ग है, करेंट अफेयर्स, राइटिंग स्किल, थोड़ा सा आपका रीजनिंग का, अगर ये तीनों एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दूसरे में एवरेज भी है, मैनेज भी आपने कर लिया, आपका सिलेक्शन हो जाएगी, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अगर इसमें आप वीक हैं नहीं हो पाएगी। यूपीएससी में चले जाए, राइटिंग स्किल जब तक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आप उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों ना आप उसमें 5 ईयर्स प्रिपेयर कर लीजिए डे एंड नाइट, जब तक राइटिंग स्किल आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। अब इसमें समझिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का, ये हो गया तीसरा एंगल। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि अभी नाबार्ड का था, आरबीए का है, सेबी का है, किसी का भी एग्जाम का हो, या फिर नाबार्ड का स्पेशली अभी हम लेके चलते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हर एक कैंडिडेट का अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, एमबीए का अगर कोई कैंडिडेट है, एमबीए का टॉप कॉलेज से एमबीए भी परस्यू कर रहा है या फिर कर चुका है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास भी हैं जो कि ऑलरेडी एमबीए जो है टॉप कॉलेज से कर चुके हैं, कुछ कंप्लीट अभी ऑन गोइंग प्रोसेस में है। तो जो लोगों ने कैट लिख रखा है, टॉप एमबीए कॉलेज में जाने के लिए कैट के थ्रू जाना होता है, कैट, जैट, ये सारे का, अब उसमें जो ऑलरेडी लिख रख चुके हैं कैट का, उनका जो है राइटिंग स्किल, उनका जो है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये कई सारे सेक्शन जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एमबीए में 2 साल का रिग्रेस प्रोग्राम जो टॉप कॉलेजेस में जो होते हैं उससे उनका कई तरह के स्किल जो ऑलरेडी डेवलप हो जाते हैं। अब अगर कंपेयर कीजिए जो एक नॉर्मल ग्रेजुएशन पास हो गए जो डे नाइट करके रिपीट कर रहा है, डिफरेंस होगा ना कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का यहाँ केस है। अगर इंजीनियर्स है उसके साथ जो मैथ और रीजनिंग का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, अगर आपका साउथ इंडियन है उसका कॉम्पिटेटिवली इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होता है, अगर कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का उसका जो है एग्रीकल्चर का स्ट्रॉन्ग होता है। जो एग्जामिनर, जैसे नाबार्ड का भी एग्जाम हुआ, इसमें जो पेपर चेक हुआ उसमें उनको इस बात से लेना देना नहीं है, उनको इस बात का फर्क नहीं पड़ता है आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपने ऑलरेडी जो पेपर्स ने स्टार्ट किए हैं तो सभी एक लेवल पे तो है ही नहीं, सभी का पेपर्स लेवल अलग है, सभी को टाइमिंग अलग मिल रहा है, सभी का इन्वायरमेंट अलग है, सभी का एज ग्रुप, हमें एज का भी फैक्टर है, कोई मैरिड है, कोई नॉन मैरिड है, कोई वर्किंग है, कोई फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई ग्रेजुएशन में है, कोई एमबीए कॉलेज में ऑन गोइंग प्रोग्राम चल रही है, कोई फुल टाइम डेडिकेटेड होकर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सभी का जो है पैरामीटर्स अलग है, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं। उनका बस मैटर ये करता है कि वो जो एग्जाम का हॉल में कौन अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, बस इतना ही मैटर करता है। तो आप यहाँ पे सोचिए कि जिसका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है कई एंगल से मिल रहा है, और इस बात वो रेस में आगे रहेंगे ना। अब आते हैं एक नेक्स्ट एंगल पे, डिजिटल एरा, प्री डिजिटल एंड द पोस्ट डिजिटल। आपका 2014 को, आई मीन 2014 जो इलेक्शन होने के बाद, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद जब जियो एग्जिस्ट हुआ, तो जियो के बाद से और जियो के पहले का एग्जाम का सीनरी टोटली डिफरेंट हो गया। जियो के आने के बाद से एक मेजर जो चेंज आया, इवन रिक्शा पुलर स्ट्रीट वेंडर तक जो है आपके सारे स्मार्टफोन विद 4G स्पीड के साथ जो अवेलेबल हो गया। इसके कारण से जो सारे तरह के एक एक करके रिसोर्सेज डिजिटली शिफ्ट करने लग गया, मतलब अब जो है जिनके पास रिसोर्सेज है नहीं है, रिमोट एरियाज में है, मेट्रोज में है, रिच है, पुअर है,
अब कोई मैटर नहीं कर रहा, अब मैटर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, अब ये मैटर कर रहा है कौन कितना प्रिपेयर हो खुद को कर पा रहा है, किसका क्या कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, ये सारी चीज़ मैटर कर रहा है, रिसोर्सेज का मैटर ही नहीं। तो यहाँ पे प्री डिजिटल एरा एंड पोस्ट डिजिटल एरा, यही रीजन है कि आपका जो है 2014 के पहले अगर आपका कोई भी एक एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता तो आप मल्टीपल सेलेक्शन हो जाते थे, जबकि आज के केस में ऐसा हो रहा है कि आप जब तक आप एकदम थोरो नहीं हैं, जो भी पूछा जा रहा है उसमें से जब तक आपका एकदम स्ट्रेंथ नहीं है, सारी चीज़ों में आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं जाके अटक जाते हैं, चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो। अब सोचिए कि अभी तक अराउंड 3300 का कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है नाबार्ड में, पार्टिसिपेट तो कहीं कहीं है जा, इवन ऑलमोस्ट लाख में टच कर गए होंगे जो प्रीलिम्स में पार्टिसिपेट किए, लेकिन सिलेक्शन कितने का हुआ, 3300 अराउंड। अब मेंस में कितने का सिलेक्शन होने वाली है, ऑलमोस्ट 162 × 3 ऑलमोस्ट 450 अराउंड 500 से लेस ही जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाली है। बाकी कैंडिडेट का भी कहाँ पे रिजेक्ट होगा, कौन सा कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ, जो कम मेहनत कर रहा है, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, अभी प्रीलिम्स में जिनका सिलेक्शन हुआ, मेंस का होने के बाद जो इंटरव्यू के लिए जिनका सिलेक्शन होगा, इसमें कौन कौन से कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे, वो कैंडिडेट सिर्फ रिजेक्ट नहीं होंगे जो लोगों ने हार्डवर्क नहीं किया, जो लोगों ने पैशनेट होकर काम नहीं किया या जिनकी कोई गलतियां रह गई, नहीं, यहाँ पे वो उसमें मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट वो रहेंगे जिनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के कारण से वो पीछे रह गए, जिनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला, जो इसमें पूछा, जैसे कि आपका है ना डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का है, डिस्क्रिप्टिव ईएसआई का है, तो डिस्क्रिप्टिव का राइटिंग स्किल जिसका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को मिल गया, अब वो जब मेंस में वो क्वालिफाई कर जाएंगे इजिली, जबकि जो लोगों का ये स्ट्रॉन्ग नहीं है वो पीछे रह जाएंगे। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट एंगल आपको मैं बताता हूँ, ओवर द ईयर जो है ना सीनेरियो कम्प्लीटली चेंज हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। आप जब तक उसमें पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं रहते हैं तब तक आप वो फील्ड में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए ओयो का जो फाउंडर है रितेश अग्रवाल, या फिर ओला के फाउंडर, फेसबुक के, व्हाट्सएप के, गूगल के, आपके लोकेलिटी में कोई है, फैमिली में कोई है जो अच्छे से अपने बिजनेस या कुछ भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, आप ये थोड़ा सा देखिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर रितेश अग्रवाल जो ओयो का फाउंडर है, अगर रितेश अग्रवाल को ये कह दिया जाए कि वो जो है आप कॉमेडी करे, या रितेश अग्रवाल को ये कह दिया कि आप एग्जाम में बैठे, क्या वो टॉप कर पाएगा, नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक का अपना यूनिक स्ट्रेंथ होता है, अपना जो है उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, अगर उसने उसको हार्नेस किया, उस फील्ड में किया, जैसे अभी हमने एनिमल कस का एग्जाम्पल दिया, अगर एनिमल ने अपने फील्ड में किया, अगर जो जिसे अगर समुंदर में रेस करवाया जाए तो टोटली गेम चेंज हो जाएगा, अगर फील्ड में करवाया जाए गेम चेंज हो जाएगा, अगर वो हवा में करवाया जाए कि नहीं हवा में कौन सबसे ज़्यादा उड़ सकता है, गेम चेंज हो जाएगा, क्योंकि सभी में जो विनर्स डिफरेंट होंगे। वैसे ही है, आपको पहचानने की जरूरत है कि आपका एक्सपर्टीज, आपका यूनिकनेस कौन सा फील्ड में है, किस एरियाज में है, तभी आप उसमें जो है एक्सेल कर पाएंगे। अब इसके लिए सबसे पहले आपकी जरूरत पड़ती है कि आप अपने शॉर्ट एनालिसिस पहले कीजिए, अपना शॉर्ट एनालिसिस, शॉर्ट दैट इज स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। जब तक आप अपने बारे में नहीं पता होगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या, अपॉर्चुनिटी क्या, थ्रेट क्या, क्या चीज़ में आपको मजा आता है, क्या चीज़ आपका ऐसा है जो कि टोटली अगर आपको करोड़ लोगों के बीच में खड़ा कर जाए, आप एकदम यूनिक हैं, कोई बिजनेस करने में एक्सपर्ट है, कोई मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, कोई आपका राइटिंग में एक्सपर्ट होता है, कोई सिंगिंग में एक्सपर्ट होता है, कोई ये, आप सोचे कि कपिल शर्मा को, कपिल शर्मा जर्नलिस्टिक, आई एम टेलिंग, इंडिविजुअल पे नहीं जाएंगे ओपिनियंस पे, लेकिन जर्नलिस्टिक जिस तरह के जो शो में आते हैं उसके हिसाब से उसका इंग्लिश काफ़ी कमजोर है कपिल शर्मा का। अब कपिल शर्मा को अगर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिठा दिया, क्या आपको लगता है वो एग्जाम में सिलेक्शन हो भी पाएगी इंग्लिश के बेस पे? नहीं ना, लेकिन वो अपने फील्ड में कितना बढ़िया कर रहा है। वैसे ही आप अगर दूसरे को ले लीजिए, जैसे आपका यूट्यूबर से भी है, आपको ध्रुव राठी का देख लीजिए, ध्रुव राठी का आप देखिए, उसका ये देखिए कि दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, उसके साथ इंटरव्यू किया है, आप उसका देखिए, जो ऐसे कई तरह के, मतलब उसके दो दो तीन दिन में जो है व्यूज आपके जो है मिलियंस में चले जा रहे हैं, 3 मिलियंस, 30 लाख पीपल देख रहे हैं। अगर सोचिए जरा सर, सेम उसी ध्रुव राठी को आपने कोई एग्जाम में बिठा दिया जाए, आपको लगता है कि डेफिनेटली वो उसका कोई ना कोई जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा? आप विवेक बिंद्रा को ले लिया, ऐसे इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हैं, इनफाइनाइट हैं। अब आपको ये पहचानने की जरूरत है कि आपका फील्ड, किस फील्ड में आप जो एक्सपर्ट्स हैं। जब तक आप ये नहीं पहचानेंगे, फेल्योर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे बड़ी एक मेजर टफ क्या होती है, सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या आती है, इस स्ट्रेंथ यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करना, डिस्कवर करना। जब तक आप डिस्कवर नहीं करते तब तक आपका फेलियर पीछा नहीं छोड़ने वाला, और ये डिस्कवर करना यही सबसे बड़ा चैलेंज है। लोगों को जो डिस्कवर करने में इवन सालों लग जाते हैं,
कोई इवन अर्ली एज में डिस्कवर कर लेते हैं, कोई 30s के में, कोई 40s में, कोई 50s में, इवन कुछ जो है आपके 70s के एज में जाके जो है उन्होंने अपने पोटेंशियल को डिस्कवर कर पाए हैं। अब जब तक आप डिस्कवर नहीं करते हैं तब तक आपका जो है ये नहीं होने वाला है, अपने फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते। एक और एग्जाम्पल से समझिए, जमीन होता है ना लैंड, उसमें उपजाऊ मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में जो जमीन लैंड है एग्रीकल्चर के लिए, उसमें अगर कोई भी एक सीड को बोया जाए तो क्या आपको लगता है कि सारे सीड जो एक तरह का फसल देगा ऑल ओवर इंडिया? नहीं देगा, क्योंकि सभी फसल जमीन का उपजाऊपन अलग अलग सीड्स के लिए होते हैं। कोई जमीन आपका पैडी के लिए अप्रोप्रिएट है, कोई आपका ग्रेन अदर ग्रेन्स के लिए है, कोई आपका जो है सीरियल्स के लिए है, कोई आपका जो वेजिटेबल के लिए, कोई लैंड आपका अप्रोप्रिएट है फ्रूट्स के लिए, मतलब सभी लैंड जो है अपना अलग अलग पोटेंशियल्स हैं अलग अलग सीड्स के लिए। आपको वो पहचानने की जरूरत है कि कौन सा सीड आपके लिए अप्रोप्रिएट है, उस लैंड के लिए अप्रोप्रिएट, क्योंकि लैंड तो आप चेंज कर नहीं सकते, आपकी जो फीचर्स यूनिकनेस है वो तो आप चेंज कर नहीं सकते। आप चेंज क्या कर सकते हैं, अपने फील्ड को चेंज कर सकते हैं, फील्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपको कौन से फील्ड में एक्सपर्टीज है। आपने सीड को पहचानिए ताकि आप वो बोएंगे। मान लीजिए कि आपका जो जमीन है, आपके पास जो जमीन है एग्रीकल्चर का, उसमें आप जो फसल फ्रूट्स आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रूट्स आपका रिजल्ट नहीं दे पा रही है, फ्रूट्स आपका रिजल्ट नहीं दे पा रहे, खूब मेहनत करें खूब मेहनत करें नहीं दे पा रही है। फिर आपको किसी ने बताया कि आप ग्रेन उपजाइए आपको वो रिजल्ट देगा, ग्रेन भी आप कर रहे हैं नहीं रिजल्ट दे रही है। आपको ये डिस्कवर करना पड़ेगा, जब तक आप ये डिस्कवर नहीं करेंगे कि वो आपका लैंड कौन से फसल के लिए अप्रोप्रिएट है, तब तक आपको ये परेशानी लगी रहेगी, आपका फेल्योर पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है कम्प्लीटली एक तरह का एडिक्शन है। जी हाँ, मैं एक नेगेटिव टर्म यूज कर रहा हूँ, एडिक्शन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जो सीरियस होगी, खासकर वो जो सीरियस होकर प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम्स, एडिक्शन की तरह जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गया है। जब तक आप कैंडिडेट जब एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता, उनका अंदर का जुनून, क्योंकि ये जो एज होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आपके 18 से लेकर ऑलमोस्ट 20 साल के एज से लेकर 35 ईयर्स, मैक्सिमम 35 ईयर्स तक के एज के कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये एज काफ़ी क्रूशियल होता है। अगर एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता, उनका मोटिवेशन ये वो सारी चीज़ें एकदम जान लगा देते हैं उसमें ये पाने के लिए, मतलब दूसरे एग्जाम के लिए, तीसरे एग्जाम के लिए। लोग जो है 5-5 साल तक लगातार जो एग्जाम के लिए लिखते रहते हैं, एक तरह का नशा की तरह हो जाता है ये। वही लोग इसमें में से बाहर निकलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से, और निकल के कोई दूसरा फील्ड को ट्राई करते हैं या दूसरे फील्ड में जाते हैं, जो जिनका या तो एज लिमिट निकल गया, फैमिली का फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह आ गए, शादी वगैरह हो गए हैं, या फिर कोई और तरह का कंसर्न आ चुका है, तभी वो जो है इससे निकल पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ऐसे अगर आपको ये लगता है, जैसे कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है नाबार्ड में, अगर आपको लगता है कि सारी दुनिया जो है आपकी सिलेक्शन पे ही डिपेंड कर दी, 5 ईयर्स डाउन द लाइन, सिंपल सी बात है, 5 साल 5 ईयर्स डाउन द लाइन आपको आज सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि तब तक आप बहुत सारी चीज़ और भी कर चुके हैं और ये आपके पास्ट वाली बातें हो चुकी रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ना, आप जो फील्ड में हैं, जैसे सुशील अगाटी सर के बारे में आप तो जानते ही होंगे, RBI में मैनेजर के पोस्ट पे उन्होंने कई साल जॉब किए, उसके बाद छोड़ दिए और अभी वो कुछ और भी कर रहे हैं, खुश हैं अपने लाइफ के साथ, खुश हैं। रोमन सैनी को देख लीजिए, वो आज के डेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट का जो डिजायर होता है UPSC का, मेडिकल का, वो सारे कंप्लीट क्वालिफाई करने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद क्विट कर दिए, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं ना। कहने का मतलब ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही सारी दुनिया नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको इग्नोर कीजिए, लेकिन हाँ, अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपने यूनिकनेस को पहचानिए। अगर आप सुटेबल, आपको लगता है कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं, नावार के लिए कुछ और चाहिए, SSC के लिए कुछ और चाहिए, RBA के लिए कुछ और चाहिए, कॉमर्शियल बैंक के लिए कुछ और चाहिए, रूरल बैंक के लिए जो है आपका RRB के लिए तो उसके लिए क्वालिटीज कुछ और चाहिए, सभी के लिए अलग अलग क्वालिटीज। आप पहले पहचानिए आपका स्ट्रेंथ क्या है, जब तक आप नहीं पहचानेंगे तब तक आपका सारे तालमेल जो है बैठने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपके खुद को एक्सप्लोर करने में, आइडेंटिफाई करने में अपने स्ट्रेंथ एरियाज को, जो फेल्योर हुआ है आपका नाबार्ड में इसको समझने में आपको हेल्प करेगा ये। थैंक यू सो मच।